कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आया हूँ आजम खां के शहर रामपुर में। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा शहर भी है रामपुर, और यहाँ पर मैं आपको आजम खां के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी घुमाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, शिक्षा का एक मंदिर है जो मैं आपको घुमाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है हम सफर चौक, और इसी की राइट में जो रास्ता जा रहा है एक्चुअली यही यूनिवर्सिटी को जा रहा है, और यही इसका मेन रास्ता है जिससे हम जाने वाले हैं। ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये एक्चुअली में आजम खां का रिजॉर्ट है। हम सफर के नाम से आजम खां ने इसको बनवाया था। इसको आप करीब से देख सकते हैं। एक्चुअली जो डबल रोड दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए डबल रोड बनी गई थी। ये सिंगल रोड हुआ करता था, बट आजम खान ने यूनिवर्सिटी के लिए खासकर ये रोड बनाई है। एक्चुअली में आप ये जो बाग देख रहे हैं, ये रामपुर का फेमस बाग है जिसका नाम है बेनज़ीर बाग, और ये इसका गेट है, आप देख सकते हैं करीब से। जब आप रामपुर आते हैं तो इसकी जो खूबसूरती है उसके आप कायल हो जाएंगे। रामपुर जो कभी नवाबों के नाम से जाना जाता था, आज वो आजम खां के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से यूनिवर्सिटी का गेट शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और एक्चुअली में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, है? ये इसका गेट है। देख सकते हो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, ये इसका गेट है जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, और अंदर का नज़ारा देखिए आप, जौहर यूनिवर्सिटी। ये आप देख सकते हैं, ये है मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी, जो मैं आपको और भी अच्छी तरीके से दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देखेंगे, ये एक्चुअली में रविंद्रनाथ भी है। ये हॉस्टल है जौहर यूनिवर्सिटी का। जी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल। और अगर आप इधर देखेंगे तो एक्चुअली ये मेडिकल कॉलेज है, और जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन है ऐसी मेडिकल कॉलेज है, निर्माण चल रहा है इसका। Thank you.
आप यूनिवर्सिटी कैंटीन देख सकते हो, फिलहाल तो ये बंद है बट ये कैंटीन है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटी वाली मस्जिद है, आप ये देख सकते हो। बताते हैं कि 700 एकड़ में स्टेडियम सहित लगा करके। ये आप देख सकते हैं, ये है इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ का ये फार्मेसी का है और ये वाला। अच्छा अच्छा ये देख सकते हो, ये पैरामेडिकल है, मदर टेरेसा ऑफ पैरामेडिकल। यहाँ ये जिम है, स्टूडेंट के लिए अलग है और स्टाफ क्लब अलग है। ये मदरसा आप देख सकते हो, ये एक्चुअली मदरसा है जो व्हाइट में है। जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं, जो मेन स्टाफ हैं, उनके लिए ये सामने आप देखोगे ये रेजिडेंस बना रखा है, हॉस्टल, जैसे वाइस चांसलर हैं या जो और भी जो लोग हैं उनके लिए। मेरे पीछे देखेंगे आप, एक्चुअली में ये है आर्ट म्यूज़ियम जो बहुत शानदार बनाया गया था, बट फाइनली इस पर जो है लॉक लगा हुआ है। इसको अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए अब इसको बंद कर दिया गया है, बट बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है एक्चुअल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विशिष्ट अतिथि गृह गेस्ट हाउस, जो सरकार ने अब अपने अंडर में कर लिया है। ये देख सकते हो, अंदर जाना अलाउ नहीं है, बंद कर दिया है। ये जोहर यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी वाली मस्जिद है, अगर इसके रास्ते पे देखोगे तो घास लग चुकी है और एक्चुअली इन्होंने इस रास्ते को बंद भी कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हो कोई मस्जिद का गेट कैसे बंद कर सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ से करीब से मैं दिखाऊं तो इन लोगों ने गेट बंद कर दिया है। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी के अंदर की मस्जिद है। अगर मैं चारों तरफ का व्यू दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये रास्ता है, रास्ते पे भी एक्चुअली घास लग चुकी है। ये देख सकते हो, मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उनके स्टाफ के लिए हॉस्टल बन रहे थे, बट काम इसको रोक दिया गया। और आप ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह तैयार चल रही थी। ये देख रहे हो आप, ये है आर्मी टैंक जो कि इंडियन आर्मी ने गिफ्ट किया था यूनिवर्सिटी को। और यही बात जो है आजम खां के जो आलोचक हैं उनको बुरी लगती है, इसी बात से वो लोग जलते हैं। और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया का सबसे ऊंचा, जी हाँ इंडिया का सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग। पूरे इंडिया में आपको इतना ऊँचा नेशनल फ्लैग नहीं मिलेगा जो जौहर यूनिवर्सिटी ने दिया है। ये देखिए, वाओ। पास से दिखाऊं तो इस जो फ्लैग है इसके अंदर देखोगे आप मोटर लगाई गई हैं, और मोटर इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि फ्लैग को खींचने के लिए, क्योंकि इतना ऊंचा फ्लैग खींचना इतना आसान नहीं है।
मेरी गर्दन भी टेढ़ी हो गई है देखिए। इसके लिए इसका तो इंतज़ाम किया गया है, वो मोटर का किया गया है, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल जौहर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये आप मेरे पीछे देखेंगे एक्चुअली में झील है, जो पानी हुआ करता था अब झील सूख गई है। जाहिर है जब इसके मालिक नहीं आजम खान नहीं है तो इसकी लापरवाही आप देख सकते हैं। इसकी जो बोट थी, जो नाव है, उसको बाहर निकाल कर रख दिया गया है। केवल इसका दर्द तो वो लोग समझ सकते हैं जो इसके मालिक होंगे। काश आज आजम खान बाहर होते और इस यूनिवर्सिटी जो उन्होंने अपने पसीने से सींची थी उसको वो देख पाते। तो जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था तो थोड़ा मैं इमोशनल हो गया था, और इमोशनल इसलिए हो गया था कि आजम खान ने जिस तरीके से उस यूनिवर्सिटी को सींचा है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि आजम खान ने अपने बेटे से इतना प्यार नहीं किया होगा जितना उस यूनिवर्सिटी से प्यार किया है। बताते हैं कि कुछ साल पहले, 200 साल पहले वो ईंट लाते थे और उनकी ईंट को हटा दिया जाता था। कैसे उन्होंने एक एक कंधे पर ईंट रख कर उसको सींचा है, यकीन मानिए काबिल तारीफ है। अगर आप आजम खान के हेटर हो, आप उनसे नफरत करते हो, तो एक बार उस यूनिवर्सिटी जाइए, उस यूनिवर्सिटी को देखिए ज़रूर, हो सकता है कि आपको कुछ जहन चेंज हो जाए। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो आप हमारे अरबाज ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।